कब्जे से मुक्त कराई गई 400 करोड़ की कीमत की नरेश जीनिंग की फैक्ट्री के 36 दुकानदारों को हटने का अंतिम अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब जिला प्रशासन किसी भी वक्त इन दुकानदारों को जमीन से हटा सकती है। उज्जैन आगर रोड स्थित नरेश जीनिंग फैक्ट्री पर विभिन्न कारोबार करते आ रहे 36 व्यापारियों को प्रशासन ने 22 जनवरी तक दुकान खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। 400 करोड़ रुपए कीमत की इस जमीन पर प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही कब्जा लिया था। लक्ष्मी नारायण धूल जी, प्रशासन ने पाया कि यहाँ शीतल पेय कंपनी, पान की दुकान, आटा चक्की, टायर, इलेक्ट्रिक उपकरण की दुकान, प्रिंटिंग प्रेस, मेडिकल, नमकीन, होटल आदि के व्यवसायिक प्रतिष्ठान हैं, जो जबरन उक्त जमीन पर कब्जा जमाए बैठे थे। इन व्यापारियों को यहाँ से अपना कारोबार हटाने के निर्देश दिए गए हैं। यह समयावधि खत्म होने पर शुक्रवार को ADM नरेंद्र सूर्यवंशी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों को स्पष्ट किया कि अब यह भूमि सरकारी है। देखिए, जमीन पे कब्जा तो हो चुका, शासन के आधिपत्य की जमीन है ये, ऐसी स्थिति में कब्जे की बात नहीं है। बात यह कि यहाँ पे जो आज की स्थिति में जो ये संरचनाएं वो अतिक्रमण के उसमें हैं, तो सभी लोगों से बात करी है और इन लोगों से बात करके हम लोगों ने इनसे निवेदन किया है कि अपनी दुकानों को शीघ्र यहाँ से खाली कर ले, क्योंकि क्या है कि इनको आने वाले समय में यथासंभव इनको रिमूव करके इसका कोई दूसरा उपयोग किया जाए, जनित में या जैसे भी, तो उसलिए हम लोग यहाँ पे चर्चा करने आए थे। लगभग 35-36 यहाँ पे दुकानदार या गोडाउन वाले हैं, उनसे बात करी है, उनको बता दिया है। इनको काफ़ी लंबे समय से पहले भी मैं इनको सबको पता है कि ये सरकारी ज़मीन पे ये लोग हैं, ये आज से नहीं कई सालों से जानते हैं, और पिछली बार भी हम लोगों ने इन्होंने बताया था कि 7-8 दिन में अपनी दुकानें खाली कर ले, नहीं किया। उसके बाद में फिर इनको आज हम अंतिम रूप से बताने आए कि आप अपनी दुकानों को अन्यत्र शिफ्ट करने की प्लानिंग कर ले, ताकि इनको बाद में किसी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। उन्होंने हमें 7-8 दिन के अंदर दुकान खाली करने के लिए कहा है और हमने बताया कि भाई हम इतने वर्षों से 25-30-40 वर्षों से व्यवसाय कर रहे हैं, तो हम आगे जनप्रतिनिधियों को और कलेक्टर साहब से कल मिलेंगे, उनको हमारी सारी समस्या बताएंगे, ये उनको बताया है हमने। तो प्रस्ताव भी रखा है आपने उनके सामने? हाँ रखा है ना, ये दुकान का भाई गौरव जो भी शासन की योजना जब आएगी तब तक तो उसमें हमको सम्मिलित किया जाए।